आपके साथ। टेलीविजन का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगातार सुर्खियों में है। बीते कई समय से शो के कई कलाकारों को रिप्लेस किया जा रहा है। इसी बीच खबरें आ रही थी कि शो में भिड़े की भूमिका निभाने वाले एक्टर मंदा चंदवादकर भी शो को छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खुद मंदार के हवाले से कहा जा रहा था कि वो शो छोड़ देंगे और दया भाभी भी शो में नहीं लौटेंगी। अब खुद एक्टर मंदार ने इस वायरल वीडियो पर रिएक्शन दिया है। मंदार ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट की है। वीडियो में जन्माष्टमी की बधाई देते हुए एक्टर ने उस वीडियो का जिक्र किया है जिसे यूट्यूब पर उनके नाम से सर्कुलेट किया जा रहा है। एक्टर ने इस वीडियो का थंबनेल भी दिखाया है जिसमें लिखा गया है कि भीड़े शो छोड़ देंगे, मैं शो की सच्चाई बताऊंगा, दया भाभी अब नहीं आएंगी, गोली को निकाला गया है। वीडियो दिखाते हुए एक्टर ने कहा, आपने शायद ये देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जिसमें लिखा है गोली को निकाल दिया गया है, तारक मेहता का सच बताऊंगा, दया भाभी नहीं आएगी। मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि लोग सोशल मीडिया का कैसा गलत फायदा उठाते हैं। ये वीडियो जो बनाया गया है ये तब का है जब शो के 16 साल पूरे होने पर मैं लाइव आया था। इस वीडियो के 4.5 लाख व्यूज हो चुके हैं। जाहिर है अगर आप इस तरह की वीडियो डालोगे और ये सब लिखोगे तो इतने व्यूज तो आएंगे ही। वीडियो शेयर कर एक्टर ने लिखा है, दोस्तों प्लीज किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें और प्लीज इसे फैलाएं नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो हमें 2008 से एंटरटेन कर रहा है और आने वाले सालों में भी करता रहेगा। मैं बस सच बताना चाहता हूँ, इसलिए इसे पोस्ट कर रहा हूँ। बहुत सारा आभार और प्यार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बीते कई समय से विवादों से भी घिरा हुआ है। कई सालों पहले दयाबेन का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी ने मैटरनिटी लीव ली थी, हालांकि वो शो में कभी लौटी ही नहीं। कई सालों से खबरें थी कि वो शो में वापसी करेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ जेनिफर मिस्ट्री ने भी कुछ महीनों पहले शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर संगीन आरोप लगाते हुए शो छोड़ दिया था। उनका आरोप था कि सेट पर एक्ट्रेस के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। वहीं शो में गोली का किरदार निभाने वाले एक्टर कुश शाह ने पढ़ाई के लिए शो छोड़ने की अनाउंसमेंट की थी। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।